जिला पंचायत भवन गुना में आज योग आयोग के अध्यक्ष वेद प्रकाश शर्मा ने अधिकारी और कर्मचारियों की बैठक में योग की बारीकियों की जानकारी दी। कार्यक्रम के प्रारंभ में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत गुना ने अतिथियों का स्वागत किया। शर्मा ने बताया कि बहुत सी बीमारियां ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, गैस और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के सहज निदान और नियंत्रण के लिए योग की विधाओं जिसमें कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उगित जैसी योग की विधाओं की जानकारी भी दी। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी चंद्रशेखर सिसोदिया, जिला परियोजना अधिकारी ऋषि कुमार शर्मा, आयुष अधिकारी डॉक्टर जी के धाकड़, CMHO डॉक्टर ऋषिवर, महिला बाल विकास विभाग से गोयल, जिला योग प्रभारी काव्यांजलि शर्मा, शिक्षा विभाग से अनिल भार्गव, दिनेश चंद्र शर्मा, दिनेश जाटव, आशीष गलगले, धर्मेंद्र रघुवंशी सहित अनेक कर्मचारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर पतंजलि योगपीठ से जुड़े युवाओं ने योग के आसान तरीके बताए। योग को लेकर जिला पंचायत में क्या कार्यक्रम हुआ? आज जिला पंचायत गुना के सभागार में हमारे मध्य प्रदेश लोक आयोग के चेयरमैन श्री वेद प्रकाश जी शर्मा जी के इस आतिथ्य में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हमारे जो इसमें जिला पंचायत कलेक्ट्रेट एवं विभागीय जो अधिकारी हैं उनके साथ एक बैठक सह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हमारे जो चेयरमैन वेद प्रकाश शर्मा जी, इन्होंने वेद जो योग है, प्राणायाम है, इसकी महत्ता को उजागर किया, विस्तृत रूप से बताया और उनको किस तरह से करें, कैसे करें, क्या सावधानी करें, इन बातों पर चर्चा की और अपेक्षा की कि ये बहुत आपके शरीर को, मन को स्वस्थ रखने के लिए अनिवार्य अंग बने।